नमस्कार, वीकी बिजनेस अड्डे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बनाएंगे हैंड वॉश लिक्विड बेस और डिश वॉश लिक्विड बेस। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। उससे पहले आप लोग यह देख लीजिए, बहुत से लोगों का यह कमेंट होता है कि हम नॉर्मल वाटर में कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखिए, इस समय नॉर्मल वाटर में बहुत ज़्यादा दिक्कत यह है कि आप देख रहे हैं कि कई जगह पर ऐसा होता है, हमारे जकर को थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो इसमें थोड़ा पीलापन आ जाए। तो इससे आप अगर प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट भी थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा। इसीलिए आप डीएम और आर वाटर में आप नॉर्मल वाटर से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, समझ में आ गया। बनाएंगे तो आपका थोड़ा क्वालिटी का दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ गया। मान लीजिए आप आर ओ वाटर, अगर आपके घर पर आर ओ आप आर ओ वाटर से बना सकते, या मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से डीएम वाटर मिल जाएगा से बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम बनाएंगे बेस। बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वाटर, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे SLS लिक्विड। उसका ऐड करेंगे हम इसमें साल्ट। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, यह ठीक होने लगा तो आप इसी में अब एसिड सैलरी ऐड करके, कास्टिक सोडा ऐड करके आप बना सकते हैं डिश वॉश लिक्विड। यह यही बेस हो गया, समझ में आ गया। और इसमें आप जैसे डिटॉल हो गया, इमायल हो गया, या साइट्रिक एसिड हो गया, आप उसे ऐड करके इसे बना सकते हैं हैंड वॉश। प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी प्रोडक्ट आप घर पर बना सकते हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर, अब आपको प्रैक्टिकल फार्मूला देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। जो मैं काम करा रहा था स्टूडियो में वो पूरा हो जाए, और अब आपको इस तरीके का प्रैक्टिकल फार्मूला को मिलेगा हर दिन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर लें। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, अब आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा। यह देखिए, ठीक हो चुका है, आप इसे एक दिन के लिए रखें। और भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।